हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर एकेडमी। तो हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे अपना, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसकी जो एक्सरसाइज 3.4 है वहाँ तक मैंने आपको सब कुछ कंप्लीट करवा दिया था। मीन्स वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम भी करवा दी थी, और इस पूरे चैप्टर के तीन मैंने मेथड में आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, तीन के तीन मेथड। तो आज का जो काम है वो है कि हम NCERT की एक्सरसाइज 3.5 करेंगे, जिसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम पहले सीख चुके हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है और एक क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो वही वर्ड प्रॉब्लम है जो मैंने लास्ट की दो वीडियो में आपको करवाई है, ठीक। आई बटन पे जाके वहाँ का लिंक आपको मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो 3.3 और 3.4 की वर्ड प्रॉब्लम कर लें। अच्छा, उसके बाद जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड किया, जब सब्स्टिट्यूशन मैथड और एलिमिनेशन मैथड कर लिया था तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई, क्या खास बात है इसमें कि इसको ही लगाएं, मतलब इसको क्यों यूज़ करें इसको, ठीक है। तो कभी कभी हम एलिमिनेशन लगाते हैं, जैसे एलिमिनेशन में मैंने पहले ही बताया था कि एलिमिनेशन में हम लगाते हैं जब कोफिशेंट इक्वल हो तो उसको लगा दीजिएगा, ठीक। सब्स्टिट्यूशन में अगर आपको पहले किसी एक की वैल्यू निकली मिले तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, वहाँ पर बेनिफिशियल होते हैं। अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड होता है ना, वो जो मैथड है आपके पास, वो मेथड यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास कोफिशेंट बिल्कुल ही अलग अलग हों, और इतने अलग अलग हों कि मतलब हम उनको सोल्व करने में जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है सोल्व करके, तो जहाँ पे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही प्रॉब्लम देंगे वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा काम आने वाला है आपके, ठीक। तो ये बात हम क्वेश्चन नंबर 2 में ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, ठीक। अब क्या है इसमें, दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक। बस 2 का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसमें के अंदर दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x + 3y इज इक्वल टू 7, ठीक। एंड सेकंड इक्वेशन इज a - b (x) + a + b (y), ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, 3y इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 3a + b (-2). सो ये क्वेश्चन है और इसमें लिख रखा है, कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हो गई, मीन्स जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसने ये बात पूछी है कि कहाँ पे इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे। तो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की जो कंडीशन थी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसकी आपके पास कंडीशन थी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ये कंडीशन थी, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो वही a b और इसको इस तरफ ले आइए तो ये -c हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी -c, और ऐसे इसको भी इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, सारा कुछ माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ए बी एंड सी, ठीक, इज इक्वल टू, तो फर्स्ट इक्वेशन है तो 1 1 लगा लेता हूँ, वही काम अपना पुराना जो हमने 3.3 के अंदर किया था, उसका भी लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ से क्या है आपके पास 2, ये आपके पास 3 और ये है आपके पास -7। और अगर मैं आपके पास a2 की बात करूँ तो a2 है आपके पास a - b, ठीक है, b2 है आपके पास a + b, क्योंकि a2 b2 c2, वही abc होता है, सेकंड लाइन के लिए 2 लग जाता है, फर्स्ट लाइन के लिए आपके पास 1 लग जाता है। सो c2 है आपके पास -3a + b - 2, दिस इज ओके। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँ तो a1 is 2, a2 आपके पास a - b है, b1 आपके पास 3 है, तो b2 है आपके पास a + b इज इक्वल टू, c1 आपके पास -7 है, और यहाँ पे आपके पास दिस इज -3a + b - 2। सो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए, ये तीन ऐसे टर्म हैं जो आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तीन टर्म ऐसी हैं जो आपस में इक्वल हैं। ये मैंने कंडीशन लगा दी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, क्योंकि उसको चाहिए थे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, उसके अकॉर्डिंगली ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो अब क्या है कि ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं इक्वेशन बनाऊंगा, तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी, एक बार तो इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, ठीक, और एक बार हम इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, तो वहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। देखिए कैसे, जब मैं फर्स्ट दोनों को इक्वल रखूँ, यहाँ पे दोनों को, तो यहाँ पे क्या है आपके पास 2 upon a - b इज इक्वल टू 3 upon a + b, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब a + b की मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस विल बी 2a + 2b,
और a माइनस बी किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, दिस विल बी 3a माइनस 3b, ठीक। सो सबको उधर ले जाऊँ या इसको इधर भी लेके आ सकते हैं, चॉइस तो अपनी है, ठीक। जैसे मैं 2a को उस तरफ लेके जाऊँ तो ये आपके पास बन जाएगा, या इसको इधर ले आते हैं, 2a प्लस 2b पहले ही था, माइनस 3a प्लस 3b हो जाएगा। तो 3b एंड 2b, दिस इज़ व्हाट, दिस इज 5b, ठीक। और यहाँ पे आपके पास 2a माइनस 3a आपके पास होता है माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट रेडी होगी, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ठीक। अब इक्वेशन बनाएंगे सेकंड इक्वेशन में मैं क्या है, इन दोनों को इक्वल रख देता हूँ। तो इन दोनों को इक्वल रखूँगा, यहाँ पे क्या है, 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। तो जब इसकी इधर मल्टीप्लाई करूँगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 से 9 है, फिर प्लस 3b माइनस 3 टू जो 6 इज इक्वल टू, इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस 7b। सबको इधर ले आइए, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। दोनों को इधर ले आया तो माइनस के हो गए। अब 9a माइनस 7a आपके पास 2a होता है, और 3b माइनस 7b दैट इज माइनस 4b एंड दिस इज माइनस 6, सेम टू सेम रहेगा। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है, इनको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर सोल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो मेथड आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है, मेथड में कोई डाउट नहीं है, ठीक। अगर मैं एलिमिनेशन लगाना चाहूँ तो एलिमिनेशन लगा लीजिए, सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहते हो तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो चलिए एलिमिनेशन ही, सॉरी सब्स्टिट्यूशन ही लगाते हैं यहाँ पे, सॉरी तो चलिए इस पर हम मेथड लगाते हैं सोल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि सबसे आसान मेथड है। तो यहाँ से आपके पास a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन है माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, मैं यहाँ प्लस 0 लिख लेता हूँ। और जो ये इक्वेशन है, दिस इज 2a माइनस 4b माइनस 6, तो दिस इज 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन थी, ठीक। यहाँ पे मैंने बीच में 0 लिख लिया ताकि कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे रहे, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि सर कॉन्स्टेंट टर्म कहाँ गई। तो ये आपके पास फर्स्ट लाइन है, ये आपके पास सेकंड लाइन है, और ये आपके पास थर्ड लाइन है। वही चीज़ क्या था, a अपोन इज इक्वल टू b अपोन इज इक्वल टू 1 अपोन, ठीक है। वहाँ पे x और y लेते थे, यहाँ पे a भी इस करके लिया क्योंकि वेरिएबल है जो a और b है। आवाज़ ना करो जी प्लीज़, कहने पट्टे गुजर दिया ना तो आवाज़ जाएगी, चाय पी लिया फिर तुम काट देते हो। जब पहला था ना करना तो नबेड़ लो भी रुक जाए, फिर आवाज़ ना करियो भी 5 मिनट। चलो नहीं नहीं मैं आवाज़ ना करियो, जिस तरह आवाज़ आई थी ना बीच में फिर डिस्टर्ब। सो यहाँ पे मैंने लिखा a अपोन इज इक्वल टू b अपोन इज इक्वल टू 1 अपोन, जो अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था उसकी फिगर बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ये डिज़ाइन है ना, ये ही बढ़िया सा बनना चाहिए। अगर ये बढ़िया बन जाता है ना तो क्वेश्चन सेट हो जाता है। अब क्या करते हैं अपन, 23 12, सो 23 12 मैंने सिखाया था आपको कहाँ लिखना होता है, ठीक, ओके। तो अब ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन पे है 5 माइनस 4, सो दिस इज 5 माइनस 4। थर्ड लाइन है 06, तो 06। फिर फर्स्ट लाइन आपके पास, देखिए इसका कोएफिशिएंट माइनस भी है साथ में, तो -1, और ए का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, और यहाँ पे फिर सेकंड लाइन है वो फिर से कितनी है, 5 माइनस 4, ओके। सो फिर से a अपोन इज इक्वल टू b अपोन इज इक्वल टू 1 अपोन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, माइनस साइन, माइनस 4 × 0 0 ही होता है। इधर मल्टीप्लाई करें तो 0 × 2 = 0, बीच में माइनस साइन अपनी तरफ से लगाते हैं, 6 1 6, ये माइनस 6 आएगा, तो यहाँ पे माइनस पहले ही है, प्लस का 6 हो गया। नाउ -1 × -4 = 4, -5 2 10, ओके। तो ये बन गया आपके पास a अपोन 30 इज इक्वल टू b अपोन 6 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपोन -6। तो वही काम है, अब एक बार तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या बनेगा, a अपोन 30 इज इक्वल, सॉरी इन दोनों को इक्वल रखें तो दिस इज 1 अपोन -6। अब 30 को उस साइड लेके जाऊँ तो 1 30 अपोन -6 कैंसिल करेंगे, 6 5 30, तो आंसर आ गया आपके पास -5, मीन्स a की वैल्यू आई आपके पास -5, ओके। अब इन दोनों को इक्वल रखें तो दिस इज व्हाट, b अपोन 6 इज इक्वल टू 1 अपोन -6,
अब 6 की उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अपॉन माइनस 6 कैंसिल होकर b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 1। तो ये आपके पास a की वैल्यू आई और ये की क्या आई आपके पास b की वैल्यू आई। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है कि k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन लिख रखी है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है, तो ख्याल रहिएगा अब की बार नो सॉल्यूशन क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन भी मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उसमें लिख रखा है कि आप तीन के तीन मैथ एक ही क्वेश्चन को तीन के तीन मेथड से सोल्व कीजिए और चेक करिए कि क्या आंसर सेम ही आता है। भी ऑब्वियसली आंसर तो सेम ही आएगा तीनों से। ठीक है, तो ये आप खुद चेक कर लीजिएगा और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छे से आता है। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ में क्या है कि सारे के सारे ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सो क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, पढ़ लीजिएगा साथ के साथ। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए ये क्या है कि हॉस्टल चार्जेस की बात किया, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, अब ऐसा ऐसा मैं फिर से आपको याद करा दूं कि मैंने पहले भी आपको बताया था लास्ट की वीडियोस के अंदर, और 3.3 के अंदर हमने क्वेश्चन किया था टैक्सी पे और 3.4 के अंदर हमने क्वेश्चन किया था लाइब्रेरी पे। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक, सेम टू सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक, फिर से एक और बात सुन लीजिए उससे पहले कि जो चीज़ फाइंड करनी है एक को x मान लेंगे दूसरे को y मान लेंगे। फिर से ख्याल रहे, जो चीज़ फाइंड करनी है एक को x दूसरे को y। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको खुद पता चलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें लिख रखा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। कह रहे कि जो मंथली हॉस्टल चार्जेस है ना, एक पार्ट तो फिक्स है उसका, मतलब एक तो उतने तो पैसे देने पड़ेंगे और बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप मैस से कितने दिन खाना खाते हो। आगे व्हेन अ स्टूडेंट ए, कोई स्टूडेंट ए है, ठीक, टेक्स फूड 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000। अगर वो 20 दिन के लिए फूड लेती है तो 1000 पे करने पड़ते हैं एज हॉस्टल चार्जेस। वेयर अ स्टूडेंट बी, कोई दूसरा स्टूडेंट है बी, ठीक, हु टेक्स फूड फॉर 26 डे, वो 26 के लिए दिन के लिए फूड लिया तो ही पेज रुपीज़ 1180। तो 1180 रुपीज़ पेज किया एज हॉस्टल चार्ज। तो अब देखिए ये लाइन है जो मेन है, फाइंड द फिक्स चार्ज। एक तो फिक्स चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले तो लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स, जो लगेगा ही लगेगा, आप चाहे खाइए चाहे ना खाइए। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक कॉस्ट ऑफ फूड निकालनी है पर डे, तो कॉस्ट ऑफ फूड, ठीक, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, इसको मैंने मान लिया दिस इज इक्वल टू वाई। ओके, ये मान लेते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है आपके पास वो है स्टूडेंट ए की, किसकी, स्टूडेंट ए। अब स्टूडेंट ए क्या कहता है कि उसने ना, अगर आप लाइन पढ़ोगे, कह रहा कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, मतलब कि उसने टोटल कितने दिनों के लिए लिया, 20 टोटल डेज हैं जो उसके 20 डेज हैं, ठीक, और जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर था, मतलब टोटल जो उसने पे किया वो था उसका 1000। अब इस 1000 में उसने क्या पे किया होगा, देखिए पहले तो फिक्स चार्ज उसने उसको लगाया गया होगा एक्स जब उसने हिसाब किया, फिर देखा कि इसने 20 दिन के का खाना खाया है तो एक दिन के खाने का वाई रुपीज चार्जेज है। तो जैसे अगर एक दिन का 100 रुपीज चार्जेज हो तो 10 दिनों का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, दिस विल बी 1000। तो वैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 20 into y, तो मल्टीप्लाई कर दिया 20y, इक्वेशन बन गई फर्स्ट, समझाई बात। तो अब है इसमें सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है वो स्टूडेंट बी के लिए है, ठीक है, स्टूडेंट बी, उसके लिए क्या है, इसमें लिख रखा है, कह रहा है कि वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स अ फूड फॉर 26 डेज, मतलब जो उसके टोटल डेज हैं वो है आपके पास 26 और जो उसका टोटल आपके पास खर्चा था वो है 1180 रुपीज़, 1180 रुपये। तो अब इसका हिसाब उसने कैसे किया होगा कि इसको भी क्या किया, पहले तो एक तो फिक्स चार्ज ऐड किए होंगे, अब एक दिन का जो फूड पर डे का खर्चा है वो है आपके पास वाई, तो 26 डे था टोटल, तो टोटल फूड का क्या होगा 26y। तो यहाँ पे आपके पास बन गई दो इक्वेशन, अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। अच्छा, फिर से क्या है कि ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में किसी बात का कुछ नहीं, उसने कहा कि कौन सा मेथड लगाना है कौन सा नहीं, जो मेथड आपको आसान लगे आप वो लगाइएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि x का कोफिशिएंट सेम है, और जब कोफिशिएंट सेम हो तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा अभी मैं, तो लेट्स अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000,
एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 रुपीज़। सो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। अब 26 माइनस 20 होता है आपके पास 6y माइनस का, 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 0 इज 8 एंड दिस इज 1। सो ये भी माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो बड़ा है। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 डिवाइड में लेके जाएंगे 180 अपॉन 6। सो डिवाइड करेंगे दिस विल बी 30, मीन्स वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30। 6 3 इज 18 एंड 0 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज कीजिए कि फर्स्ट में पुट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, पहले लिख देना पुट इन 1, ठीक है पुट इन पहले लिख देंगे पुट इन 1। सो x प्लस 20y की वैल्यू आपके पास 30 इज इक्वल टू 1000। सो दिस इज व्हाट, दिस इज x प्लस 3 टू जो 6 और 2 जीरोज हैं आपके पास, तो 600 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 1000 माइनस 600 एंड यू नो 1000 माइनस 600 इज 400। तो कहने का मतलब x था आपके पास फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज आपके पास आया 400 रुपीज़, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ अ फूड पर डे दैट इज 30 रुपीज़, सस्ता है थोड़ा पर डे, ओके। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिख के रखा है, कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकाल लिया तो इसका मतलब फ्रैक्शन आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं मान के चलूँगा कि लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो कंडीशन नंबर 1 को देख लीजिए क्या लिख रखी है, उसने लिख रखी है क्या कि जो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, मतलब ये आपके पास फ्रैक्शन है एक्स अपॉन वाई, इसकी जो वैल्यू है ना ये 1/3 हो जाएगी। कब हो जाएगी 1/3, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अगर आप न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अब न्यूमरेटर तो आपके पास ये है एक्स, इसमें से आप 1 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो दिस विल बी 3x माइनस 3 और y की उधर मल्टीप्लाई करेंगे y को इधर लेके आऊँगा तो वो माइनस का हो जाएगा सर आपके पास, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। चलते हैं सेकंड कंडीशन के पास। सेकंड कंडीशन में लिख रखा है इट बिकम्स 1/4, मतलब ये थी आपके पास कंडीशन नंबर 1, ठीक, और अब है आपके पास कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 में क्या लिख रखा है, कह रहा है कि इट बिकम्स मींस जो आपका फ्रैक्शन है ये आपके पास बन जाएगा 1/4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। If 8 is added to its denominator, अगर इसके denominator में 8 add कर दीजिए तो denominator कहाँ पे है, denominator आपका नीचे है भाई, इसमें 8 add करना है सर, ये चीज़ add करनी है। अच्छा फिर से क्या है, 4 की इधर multiply करेंगे तो this will be 4x, ठीक, y plus 8 की 1 के साथ multiply करूँ तो y plus 8, अच्छा इसको इधर ले आइए तो 4x minus y minus 8 is equal to 0, दोनों को मैंने इस तरफ ले आया, इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब चूज़ करना है मेथड कि मेथड कौन सा आसान रहेगा, वैसे इसमें एलिमिनेशन मेथड भी बेस्ट ही रहेगा क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट है माइनस 1 है, यहाँ पे भी y का ऑप्शन माइनस 1 है, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो लेकिन हम ज़्यादातर x पे डिपेंड करते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए, x को ही देखते हैं मोस्टली, बाकी आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन हमने किया था तो इसमें मैं सबसे सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाऊंगा इसको करने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए कैसे करते हैं। सो पहले तो मैं इक्वेशन ही लिख लेता हूँ। इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन है आपके पास 3x क्यों कह रहे हैं इंक फाइन सर। तो इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो फिर से वही चीज़ कि हम क्या करेंगे, सोल्व करते वक्त फिगर सी बना लेंगे, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब सिस्टम क्या है कि अब अच्छे से जानते हैं 23/12 लिखेंगे 2 3 1 2, ये आपके पास फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है और ये आपके पास थर्ड लाइन है। तो सबसे पहले सेकंड लाइन के कोएफिशिएंट दैट इज -1 -1, तो -1 एंड -1, फिर थर्ड लाइन के -3 एंड -8, फिर फर्स्ट लाइन के आपके पास 3 एंड 4, और फिर से सेकंड लाइन के -1 -1। तो अब इसको इरेज कर दीजिए, जो 23/12 हमने लिखा था ये ना भी लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को 23/12 नाम दिया था हमने।
अच्छा अब फिर से वही चीज़, एक्स अपोन इज इक्वल टू वाई अपोन इज इक्वल टू वन अपोन। सो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस एट इज़ एट, माइनस साइन अपनी तरफ से, माइनस वन इंटू माइनस थ्री इज थ्री, यहाँ पे माइनस थ्री इंटू माइनस फोर इज माइनस ट्वेल्व, माइनस साइन, एंड एट थ्री इज़ 24 और वो भी माइनस का आएगा, एक माइनस यहाँ पहले ही है तो वो जाएगा आपके पास प्लस, तो दिस इज 24। ओके या फिर से देख लीजिए, देखिए यहाँ पे बीच में मैंने माइनस अपनी तरफ से लगाया, फिर क्या था माइनस एट थ्री जा 24 जो कि माइनस का आएगा, तो यहाँ पे क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इस करके मैं डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया था प्लस। ओके थ्री की माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस थ्री, माइनस साइन, फोर वन ज़ा फोर, तो ये भी माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा प्लस फोर। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज एक्स, एट माइनस थ्री इज फाइव, एंड 24 माइनस ट्वेल्व इज़ 12 इज इक्वल टू 1 बाई 4 माइनस थ्री इज़ 1। तो आप अच्छे से जानते हैं कि एक बार इन दोनों को इक्वल रखेंगे, इन दोनों को इक्वल रखूँ तो y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, 12 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे सो दिस विल बी 12 इंटू 1 इज 12 और नीचे 1 है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक बार इन दोनों को इक्वल रखेंगे x को और 1 को, तो यहाँ से क्या आएगा x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो 5 की उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वन ज़ा 5, नीचे 1 है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बना, व्हाट इज़ योर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन था आपके पास x अपॉन y, तो x की वैल्यू आपके पास आई 5 एंड y की वैल्यू आई आपके पास 12, सो दिस इज़ योर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक। वैसे ही फ्रैक्शन के हम दो क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, अच्छे से कर लीजिएगा ताकि बढ़िया सी प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर थ्री है स्टूडेंट, स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जो अभी तक हमने सारे के सारे किए थे, ठीक। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। तो यश ने क्या किया कि 40 मार्क्स हासिल किए किसी टेस्ट के अंदर, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि उसने क्या किया कि जो क्वेश्चन उसमें सही किए हैं, ठीक है, उसके लिए उसको 3 नंबर मिले हैं, और जो उसने गलत किए हैं उसका 1 नंबर माइनस हो गया, उल्टा कट हो गया उसका नंबर, ठीक है, मीन्स नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। ओके एंड हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव 50 मार्क्स। कह रहा है कि अगर हर एक सही क्वेश्चन के लिए उसको 4 नंबर मिलते हैं, और जो उसने क्वेश्चन गलत किए हैं तो उसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 2 मार्क्स की होती है, मीन्स उसके 2 नंबर हर एक गलत क्वेश्चन के लिए कट होते हैं, तो उसके नंबर 50 हो जाने थे, ठीक। हाउ मैनी क्वेश्चन वर देर इन द टेस्ट, कह रहे टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। अब भाई टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे तो वो कैसे काउंट करें, देखिए टेस्ट में क्वेश्चन काउंट करने के लिए हम देखेंगे कि यश ने कितने क्वेश्चन किए, सिंपल सी बात। अब यश ने दो तरीके के क्वेश्चन किए, एक तो उसने सही क्वेश्चन किए, ठीक है, जिनके उसको नंबर मिल रहे हैं, और एक उसने गलत क्वेश्चन किए जिसमें उसने क्या किया कि जिसके नंबर उसके कट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे दोनों तरह के क्वेश्चन फाइंड करने पड़ेंगे, करेक्ट क्वेश्चन भी, ठीक है, और आपको रॉन्ग क्वेश्चन भी, और बाद में उनको ऐड कर देंगे तो टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या है कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू एक्स, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस इज इक्वल टू वाई। तो ये चीज़ लिखी है। अच्छा अब कंडीशन नंबर वन पे देख लीजिए कि कंडीशन नंबर वन की क्या कहती है, कंडीशन नंबर वन क्या कहती है। कंडीशन नंबर में वो कह रही है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, तो उसके टोटल जो मार्क्स हैं वो 40 थे, इज इक्वल टू, अब उनका हिसाब करते हैं। देखिए कह रहा है गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, अब राइट आंसर थे जो उसके करेक्ट आंसर थे उसके लिए उसको 3 मार्क्स मिले। अब जैसे मैं ये कहूँ कि अगर 5 क्वेश्चन वो सही करे तो 1 के 3 मार्क्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 ज़ा 15, तो उसको 15 नंबर मिलेंगे। तो इसी तरीके से अपने पास क्या है कि एक्स करेक्ट आंसर है, सॉरी एक्स करेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो दीजिए तो क्या बनेगा यहाँ पे 3x। ओके अब क्या है कि एक नंबर डिडक्ट हो रहा है तो एक नंबर कट हो रहा है रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो जैसे मैं कहूँ कि उस अगर वो दो क्वेश्चन गलत करते हैं तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 नंबर कट, 2 वन ज़ा 2 तो 2 नंबर कट होंगे। अब क्या है यहाँ पे वाई है तो एक नंबर मिल कट हो रहा है उसका, और y क्वेश्चन है तो टोटल y मतलब y मार्क्स उसके माइनस हो जाएंगे, तो y मार्क्स क्या कर दूंगा माइनस, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से उसके नंबर माइनस हो रहे हैं। ओके तो ये थी कंडीशन नंबर वन। अब अगर मैं सेकंड कंडीशन पे चलूँ, कंडीशन नंबर टू पे उसने कहा है, कह रहे हैं कि
हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, कह रहा है अगर हर एक करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स दिए जाते तो करेक्ट क्वेश्चन उसके x हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 4x, तो 4x टोटल उसके नंबर बन जाएंगे करेक्ट क्वेश्चन के, ठीक। एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनके लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हों, तो टोटल y है जो रॉन्ग क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 2y। अब डिडक्ट कैसे होते हैं, मतलब वहां से माइनस करने पड़ेंगे डिडक्ट करने के लिए, तो उसने कहा कि उसके मार्क्स हैं जो 50 होते हैं, सो उसके मार्क्स कितने होते हैं 50, ठीक। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये आपके पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं। अच्छा, इन इक्वेशन को देखिए क्या है कि यहाँ पे ना तो x का कोएफिशिएंट सेम है ना y का कोएफिशिएंट सेम है, तो कहने का मतलब कोशिश तो अपनी ये होगी कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 23-12 मेथड का यूज़ करें। तो क्या करेंगे, 40 को इस तरफ ले आते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर 1, 50 को भी इधर ले आओ, 4x माइनस 2y माइनस 50 इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके सर, तो अब फिर से वही सिचुएशन, एक्स अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, फिर से क्या लिखेंगे 23-12, ठीक है, फिर से क्या लिखेंगे 23-12, तो यहाँ पे क्या है 2 3 1 2। अब देखिए सेकंड लाइन, अब सेकंड लाइन के कोएफिशिएंट कौन से होते हैं, सेकंड लाइन के कोएफिशिएंट होते हैं, देखिए ये फर्स्ट लाइन है, ये आपके पास सेकंड लाइन है, तो कोएफिशिएंट है -1 and -2, ठीक। चाहे इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता चले, 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, किसी इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखो वो कोई बात नहीं है, जैसे मैंने इसको नीचे लिख दिया, तो इसके कोएफिशिएंट कितने हैं -2 -1, क्योंकि ये आपके पास फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, ठीक। तो सेकंड लाइन के -2 -1, तो दिस इज -2 -1, उसके बाद आता है आपके पास 3, तो थर्ड लाइन है -50 -40, सो दिस इज -50 -40, उसके बाद आता है आपके पास फर्स्ट लाइन दैट इज 4 and 3, सो दिस इज 4 and 3, उसके बाद आता है आपके पास सेकेंड लाइन, उसके कोएफिशिएंट फिर से कितने हैं -2 and -1, तो अगर आप ये नंबरिंग चाहे तो इरेज कर दीजिए, ना भी इरेज करो तो भी चलेगा, पर ज़्यादा मतलब कि बोल्ड में मत लिखना इसको, इसको थोड़ा हल्का सा ही रहने देना। ओके, अब क्वेश्चंस में क्या है कि x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 into 2 is 80, और प्लस का ही आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस साइन अपनी तरफ से, 50 ones are 50, ये भी प्लस का ही हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 53s होता है आपके पास 150, तो ये आपके पास माइनस का, फिर बीच में माइनस साइन, अब 40 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, और पीछे 0। अच्छा, ये जो माइनस का आएगा तो एक माइनस बीच में पहले है, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस, अब इधर से 4 1 जा 4 दैट इज -4, बीच में माइनस साइन अपनी तरफ से, 3 2 जा 6 माइनस का 6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6, मीन्स एक्स अपॉन क्या बना 80 - 50 is 30, y अपॉन 160 - 150 is 10, ठीक है, इज इक्वल टू 6 - 4 is 2। तो कहने का मतलब क्या कि एक बार इन दोनों को इक्वल और एक बार इन दोनों को, तो यानी कि यहाँ से क्या आएगा, x अपॉन 30 इज इक्वल टू 1/2, और एक बार इनको रखेंगे तो y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/2। अब 10 उस तरफ जाएगा तो 10/2, ठीक, ये 30 उस तरफ जाएगा तो 30/2, कैंसिल करूंगा 30 को तो ये आएगा 15, मीन्स x इज इक्वल टू 15, ठीक, और y इज इक्वल टू, कैंसिल करेंगे 2 5 जा 10, तो ये हो गया आपके पास y, ठीक। ओके, तो या एक चीज़ और देख लीजिए कि जब नीचे 2 होता है ना, तो इसका मतलब होता है हाफ करना, ठीक, जब भी नीचे 2 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, हाफ करना, ठीक, कि हाफ कर दीजिए सर। अब हाफ करना है तो 30 का हाफ 15 और 10 का हाफ 5। अब हमें फाइंड करने थे टोटल क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन। अब x आपके पास यानी कि करेक्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास 15 है, और y यानी कि जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने हैं आपके पास 5, तो 15 + 5 यानी कि टोटल आपके पास क्वेश्चन हुए 20, ठीक है, टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन हुए 20। अच्छा देखिए कि जो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है ना, वो सिर्फ 3 या 4 स्टेप लेता है, 1 2 3 4 और 5th स्टेप में आपके पास आंसर, मीन्स कुल मिला के 4-5 स्टेप हैं, ठीक है, तो वही आपने करने हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो टाइम कंज्यूमिंग भी बिल्कुल ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता आपके पास। तो ये था सर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको करवाया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th और 5th भी जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं, उनसे बिल्कुल अलग क्वेश्चन है।
ओके तो देखते हैं क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, कि दो प्लेस हैं ए और बी 100 किलोमीटर अपार्ट एक हाईवे के ऊपर, उनके बीच की जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। मीन्स दो प्लेस हैं आपके पास, मैं यहीं से देखता हूँ। टू प्लेस आपके पास, ये प्लेस हुआ आपके पास ए और ये प्लेस हुआ आपके पास बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 100 किलोमीटर। ठीक, एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली सेम टाइम दोनों, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है। आगे पढ़ते हैं रिजल्ट क्या है। कह रहे हैं इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड अलग अलग है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। सपोज कीजिए कि दोनों के दोनों ना इस तरफ चल रहे हैं, मतलब ये कार भी इस तरफ चल रही है, ये कार भी आपके पास इस तरफ चल रही है। ठीक, तो वो कहते हैं, कह रही है कि दे मीट्स इन 5 आवर, वो 5 घंटे में मिल जाती हैं। ठीक, डिफरेंट स्पीड मीन्स इसकी स्पीड ज़्यादा होगी जो ये इसके पास चलेगी 5 घंटे में। ओके, कह रहे इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ चली, मतलब सेकंड कंडीशन में उसने कहा कि ये कार इस तरफ जा रही है ये कार एक दूसरे की तरफ, ठीक है, दे मीट इन 1 आवर, तो ये 1 घंटे में मिल जाती हैं, जस्ट 1 आवर में। ठीक, तो कह रहे हैं वट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, तो हमने स्पीड ऑफ द टू कार्स निकालनी है। तो पहले तो जो निकालना होता है उसको, एक को एक्स मानते हैं और एक को वाई मानते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार एट ए, कि जो कार ए के ऊपर थी उसकी स्पीड मैंने मान ली एक्स किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार एट बी, जो बी के ऊपर थी उसकी मैंने मान ली वाई किलोमीटर पर आवर। अब सोचना देखिए किस तरीके से है। फर्स्ट कंडीशन पे पहले चलते हैं, फर्स्ट कंडीशन। ठीक, फर्स्ट कंडीशन ने क्या कहा था, फर्स्ट कंडीशन थी जो आपके पास, वो क्या कह रही है, कह रही है कि इफ कार, सेकंड लाइन के अंदर है, इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर आपके पास कार है जो सेम डायरेक्शन में चलती है, मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर, तो मतलब कि वो क्या है कि उसने सिर्फ क्या किया कि टाइमिंग दे दी कि वो 5 घंटे में मिल जाएंगी सर। ठीक, अब और तो कुछ नहीं दिया कि 5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो अब मैं इस फिगर से कुछ समझता हूँ। सपोज कीजिए कि दोनों कार इस तरफ चली और वो इस प्लेस पे आके मिल गई, ठीक है, ये कार भी यहाँ पे पहुँच गई और ये कार भी यहाँ पे पहुँच गई। तो मैंने क्या देखा, मैंने एक चीज़ देखी कि इस 5 घंटे में, इन 5 आवर्स के अंदर, ठीक, इन 5 आवर्स के अंदर, कि जो कार ए पे थी और जो कार बी पे थी, ये जो कार ए वाली है ना बी वाली से 100 किलोमीटर ज़्यादा चली, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो इससे 100 किलोमीटर ज़्यादा है। कहने का मतलब कि देखिए कि एक बी कार ने तो सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस ट्रैवल की और ए कार ने इस इतनी सी, मतलब जो ये वाली कार है इसने 100 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की। यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई कार एट ए, ठीक है, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट बी इज इक्वल टू 100, ठीक है, मतलब जितनी इतनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल की ना और जितनी इसने की, अगर उन दोनों का डिफरेंस कितना है, उन दोनों का डिफरेंस है 100, क्योंकि इसने 100 ज़्यादा ट्रेवल की, तो दोनों का डिफरेंस आपके पास 100 है। अब ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक, अब अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, देखिए डिस्टेंस कैसे निकालनी है। अब आपके पास देखो, जब भी यहाँ पे स्पीड की बात आती है ना, तो स्पीड होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, साइंस में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा ये, ठीक, नहीं पढ़ा तो यहाँ से देख लीजिए, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हिंदी में इसको बोलते हैं चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। तो सिंपल सी बात है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारे पास क्या है, मेरे को निकालें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट ए, तो मैं डिस्टेंस का फार्मूला निकालता हूँ कैसे, टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब कार ए के लिए देखिए, डिस्टेंस तो सेम, टाइम कितना लिया उसने 5 आवर, और कार ए की स्पीड कितनी है एक्स, तो एक्स इंटू 5 कितना होता है 5x, तो मतलब कि जो पहली कार की डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास, दैट इज़ 5x माइनस,
ठीक। अब कार दूसरी पे चलते हैं, दूसरी कार के लिए भी क्या होगा, दूसरी कार का जो टाइम है वो सेम टू सेम है, 5 और वो चली 5 ही घंटे चली है सेम टाइम। अच्छा उसके बाद कितने, इसकी स्पीड कितनी है, दैट इज़ वाई। तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी वाई इंटू फाइव यानी कि 5y। तो ये बना आपके पास 5y इज इक्वल टू 100। तो एक काम और कर लीजिए कि 5 कॉमन लेंगे उधर डिवाइड में ले चलते हैं। सो 5 कॉमन लेंगे तो दिस विल बी x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 100। ये 5 यहाँ से डिवाइड में चला गया, तो 5 × 2 = 10 0 मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर आपके पास ये आ गई 1। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 आ गया यहाँ से। ओके तो अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे, कंडीशन नंबर टू सेकंड कंडीशन कह सकता हूँ मैं, सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है, उसने लिख रखा है, कह रहा है कि इफ दे ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर, मतलब वो दोनों की दोनों, मतलब ये कार इस तरफ चल रही है, ये इस तरफ चल रही है। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि ये दोनों ना, दे मीट्स इन 1 ओवर लिख रखा है। आपके पास जो टाइम है वो कितना है, 1 ओवर है सेकंड कंडीशन के अंदर। अब बीच में कहीं ना कहीं मिली होगी, मान लेते हैं कि यहाँ पे मिली, ठीक, या सपोज कीजिए इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा आएगी, ये यहाँ पे मिली सपोज कीजिए। ओके तो क्या है कि अब यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ से ये मिला कि इन्होंने दोनों ने ना मिल के 100 किलोमीटर ट्रैवल किया। जैसे सपोज कीजिए कि ये यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँची और ये चल के यहाँ पे यहाँ पहुँची, मतलब इन दोनों का टोटल कितना होगा, 100 किलोमीटर। मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी इज इक्वल टू 100 होगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अगर मैं कार ए की बात करूं, ठीक, वो कितना होगा, देखो टोटल डिस्टेंस 100, ठीक है, यानी कि मैं सिंपल सी थोड़ी वर्ड में लिखता हूँ, डिस्टेंस ऑफ कार ए, ठीक है, प्लस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ कार बी, क्या मिलेगा, देखिए फिर से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब पहली कार की जो स्पीड है वो x है एंड टाइम इज 1 एंड x इज इक्वल टू 1 × 1 होता है आपके पास x, तो मतलब डिस्टेंस ऑफ कार ए आपके पास मिल गई x। ऐसे ही कार बी के लिए जाएंगे तो टाइम तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, वाई, और वाई इंटू वन कितना होता है, वाई। तो जो इसके पास भी आपके पास ये था, ये कितना आ जाएगा, वाई, मतलब इसकी डिस्टेंस वाई आ गया आपके पास। तो अब आपके पास क्या है कि दो इक्वेशन बन चुकी हैं, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल एक इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, सोल्व कर दीजिए बस, ठीक है। अगर हम इनको सोल्व करें तो फर्स्ट कार है आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, सेकेंड है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, सॉरी दो इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगा क्योंकि एक्स के कोएफिशिएंट सेम है, क्यों किसी टफ मेथड पर जाएं जब ये आसानी से वर्क करेगा। यहाँ पे माइनस करूँ तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, वाई एंड वाई हो जाएगा 2y, 10 - 20 इज 80, 2 डिवाइड में जाएगा तो 80/2 कैंसिल करूँ, या नीचे 2 है तो हाफ करना है, हाफ करेंगे तो 40, कैंसिल करेंगे तो 2 × 4 = 8 = 0 वही, तो y की वैल्यू 40। किसी भी केस में पुट कर दीजिए, मैं 1 में कर देता हूँ, पुट इन 1। अब 1 में करें तो वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, वाई की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो 40 आ जाएगा यहाँ पे। अब 40 उस तरफ माइनस में लेके जाऊँगा तो 100 - 40, और 100 - 40 कितना होता है, 60। मीन्स कार ए की जो स्पीड है, ठीक है, यानी कि अब क्या है, स्पीड ऑफ कार ए जो कि x थी वो कितनी आई, 60, यानी कि 60 किलोमीटर पर ओवर, और जो स्पीड ऑफ कार b है वो थी y, वो आई आपके पास 40, यानी कि 40 किलोमीटर पर ओवर। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, आपकी बार डिस्टेंस पे था। नेक्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर के अंदर जब जाएंगे तो स्पीड के ऊपर थोड़ा सा काफ़ी एक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, कंडीशन देख लीजिएगा इसमें कैसे बनी, ठीक है, जो बुक में पढ़ के उसमें थोड़ा सा कम ही समझ में आता है। ओके तो कंडीशन देख लीजिएगा, तो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो इसमें लिख रखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9। अब देखिए, पहले तो जब कंडीशन निकालते हैं ना तो उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए क्या कहना चाहता है। देखिए उसने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब आप सारे जानते हैं कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इनटू बी, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, ठीक। तो इसका यूज़ होगा, सीधी सी बात, जो चीज़ उसने कहा उसी का यूज़ करेंगे।
अब इसमें क्या लिख रखा है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट द इंक्रीज इन एरिया बाय द इंक्रीज द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करने हैं। कहने का मतलब ये है कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक। ओके अब देखिए, ये आपके पास रेक्टेंगल है, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एंड लेट ब्रेथ इज इक्वल टू वाई। ओके तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू एल इन टू बी लेंथ इन टू ब्रेथ, लेंथ आपके पास एक्स है और वो कितने हैं वाई, तो एरिया कितना होगा इसका एक्स वाई। अब कंडीशन नंबर वन पे चलते हैं सर। कंडीशन नंबर वन क्या कहा, कंडीशन नंबर वन में उसने कहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9। कह रहा है कि रिड्यूस का मतलब कम होना, कि जो उसका एरिया है ना वो 9 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 9 मींस रिड्यूस्ड बाय 9। एरिया इसका एक्स वाई था और उसमें से कितना कम कर दिया हमने, 9। कंडीशन क्या है, इफ इट्स ब्रेथ इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3। कि जो इसकी लेंथ है ना उसको तो रिड्यूस कर दिया 5 से, मींस 5 कम कर दिया, ठीक। और जो ब्रेथ है उसको इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से, मतलब ब्रेथ कितनी है इसकी वाई, तो वो कितना है वाई प्लस 3, ठीक। तो यहाँ से तो उसने कहा कि इस एरिया में से 9 कम हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस लेंथ को यूज़ करके और इस ब्रेथ को यूज़ करके एरिया निकालूं तो वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो इस लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। तो अब इसको देखेंगे, मल्टीप्लाई करें तो एक्स की वाई से मल्टीप्लाई करूँ एक्स वाई, एक्स की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 3x, ठीक है। फिर से माइनस 5 की वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 5y, माइनस वाई की 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो दिस विल बी माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। देखिए या तो ये कह दीजिए कि इक्वल का साइन बीच में, दोनों का सेम साइन है तो कैंसिल, या एक्स वाई को उधर ले जाऊँगा तो वो माइनस का होगा जाके, तो भी आपके पास ये कैंसिल ही होना है, ठीक। तो यहाँ से इक्वेशन, सो यहाँ से क्या होगा कि 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस 9 इधर आके प्लस का, तो इक्वेशन बन गई 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर बन गया आपके पास फर्स्ट, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, इस तरीके से आपने फर्स्ट इक्वेशन बनानी है। चलते हैं कंडीशन नंबर टू पे। कंडीशन नंबर टू उसने क्या कहा, कंडीशन नंबर टू वो कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, लेंथ आपके पास x है तो x प्लस 3 कर दिया जाए एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ आपके पास y है तो उसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, ओके इतना, तो जो एरिया के अंदर इंक्रीज है ना वो 67 हो जाता है। मींस कि कंडीशन नंबर टू क्या कहती है, कंडीशन नंबर टू आपके पास कह रही है, कंडीशन नंबर टू के जो आपके पास एरिया था उसके अंदर 67 का इंक्रीज हो जाता है। एरिया था आपके पास एक्स वाई तो 67 इंक्रीज हो गया। कब इंक्रीज हुआ, जब लेंथ आपकी 3 यूनिट से इंक्रीज हुई और ब्रेथ आपकी 2 यूनिट से। अब जो यहाँ से एरिया निकलेगा वो इस एरिया के इक्वल होना चाहिए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बनेगा, दिस इज एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। तो x की y से मल्टीप्लाई करूँगा दिस विल बी एक्स वाई, एक्स की 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2x, तो यहाँ पे बनेगा 3y एंड प्लस 3 टू या 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, ठीक है। तो यहाँ से फिर से एक्स वाई कैंसिल, तो ये कितना हुआ 2x प्लस 3y। अब 67 को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस का होगा एंड 6 माइनस 67 दिस विल बी माइनस 61 इज इक्वल टू 0। तो ये हुई आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सोल्व करना है और आप भी खुद अंदाजा लगाएं कि देख के आपको लग रहा होगा कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड विल बी बेस्ट, क्यों, क्योंकि इनके जो आपके पास कोफिशियंट है वो सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाएंगे, ठीक। पहली इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 5y, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 61 इज इक्वल टू 0, ठीक। सॉरी दिस इज प्लस, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास
2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। तो फिर से वही चीज़, दिस इज फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन है आपके पास, ये थर्ड लाइन है। तो क्या होगा, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, ये आपके पास डिज़ाइन बना देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 23 बारह, ये मैं लिख दिया 23 बारह। तो सेकेंड लाइन के जो कोएफिशिएंट है दैट इज माइनस 5 एंड 3, सो ये बन गया आपके पास माइनस 5 एंड 3। जो थर्ड लाइन के हैं वो है माइनस 6 एंड माइनस 61। उसके बाद जो फर्स्ट लाइन है वो है आपके पास 3 एंड 2, एंड जो सेकेंड लाइन है फिर से माइनस 5 एंड प्लस का 3। ओके, सो अगेन एक्स अपोन इज इक्वल टू वाई अपोन इज इक्वल टू 1 अपोन। सोल्व करें तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस पहले तो प्लस, फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 5 6 30, माइनस 6 3 18 होगा और ये माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 2 12 माइनस 12 माइनस साइन, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 1 3 3 6 18, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर से 3 3 9 माइनस, 5 2 10 तो 10 प्लस का आएगा सो प्लस कर देंगे, सो दिस इज 1 अपॉन 19 एंड दिस इज y अपॉन 3 माइनस 2 इज 1 एंड 8 माइनस 1 इज 7 1। ओके, और इसको अगर मैं ऐड करूँ तो x अपॉन 8 एंड 5 13 होता है, सो दिस इज 1 एंड 1 2, सो दिस विल बी 3 23। तो आप अपना काम क्या है कि एक बार तो क्या करेंगे कि इन दोनों को इक्वल रखें, मीन्स x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19, ठीक, 323 यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर चला जाएगा, डिवाइड से उधर लेके जाऊँगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, दिस विल बी 323। अब ये सीधा ही 19 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आपको कट ऐसे ही कर सकते हैं तो ऐसे ही कर दीजिए, वरना आप डिवाइड कर दीजिए, कैसे कि 323 है, 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 1 19, माइनस कीजिए 12 माइनस 9 क्या होता है, 12 माइनस 9 इज 3 एंड 2 माइनस 1 इज 1, तो यहाँ पे 3 एंड 19 7 होता है आपके पास 133, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 17, ठीक। और अब इन दोनों की बात करूँ तो दिस इज़ व्हाट, इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19, 171 को उधर लेके जाएंगे, अच्छा फिर से डिवाइड करना है तो 19 9 171 होता है, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, y इज इक्वल टू 9, यानी कि जो आप, अब हमने लेंथ मानी थी x, सो लेंथ इज यूअर 17 यूनिट्स, एंड जो ब्रेथ है आपके पास वो है आपके पास 9 यूनिट्स, सो दिस इज़ द आंसर। सो ये मैंने आपको 3.5 कंप्लीट करवा दिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना सर, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, और चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।